गोली चा के अपन सिटे देख ले आला इन गंजा तो जान पड़ा रे सारी अच्छा हां बर्बाद कर दे इन मुल्क सारे तबाह कर चा बिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अपडेट पॉइंट्स और मैं हूं आपका होस्ट फरियाद चौधरी। नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात जो है मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक बार फिर जो है पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। तो इस सूरत हाल में यहाँ पर मौजूद आवाम से हम जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेगी। आवाम पब्लिक यहाँ पर मौजूद पब्लिक से हम जानेंगे कि एक जो गरीब आदमी है जो मजदूर आदमी है उसके लिए जो है पेट्रोल तक जो रसाई हासिल करना है वो कितना नामुमकिन हो चुका है। तो आइए चलते हैं जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। तो आइए चलते हैं आज। चाचा कह रहे हैं कि इन गंजू ने जो है हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में जो है 6 दिन के अंदर 60 रुपए का इजाफा कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत में जो है 1400 दिन में जो है सिर्फ 52 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन जो है इस मौजूदा हुकूमत ने जो है आकर 6 दिन में जो है 60 रुपए का इजाफा कर दिया है। तो यहाँ पे आवाम जो है वो बहुत तंग आ चुकी है। चाचा कह रहा था कि जो गंजी हैं इनसे हम बहुत तंग आ चुके हैं, इन्होंने जो है मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो चाचा यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा क्या हाल है? चाचा ये दसो कि तुसा रात जो है डिठा उसी खबर हूँ तुम पेट्रोल की कीमत जो है बहुत ज़्यादा इजाफा थी, क्या आखना चाहो हुकूमत के बारे में? बहुत तंग आ चुके हैं। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आप? इमरान खान के साथ हैं। यहाँ पे जो है एक और दोस्त मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप यूँ कहना चाहते हैं कि पूरे मुल्क की दफा हर गरीब आदमी सोचा तो सोचा सही क्या भी हो सोचा क्या जैसे रोटी को तंगे कड़ी पेश है सही चीनी है इजाफा है हर चीज़ इजाफा। चाचा कह रहा है कि इसमें खाने पीने की एशिया में भी हर चीज़ में इजाफा हो चुका है, तो हम जो है इस हुकूमत से बहुत तंग आ चुके हैं। मेहरबानी भाजपा, थैंक यू। तो यहाँ पे दोस्त और जो हैं पेट्रोल डलवाने के लिए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं पेट्रोल की कीमत में जो है 6 दिन के अंदर 60 रुपए का इजाफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा 6 दिन के अंदर 60 रुपए का इजाफा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये पेट्रोल बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। सावधानी हमारी जेब के ऊपर ये बड़ा बोझ है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, डलवाना है। सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं है, घी की कीमत देखिए कहाँ पहुँच गई है, ऊपर से बिजली में भी 47% के हिसाब से सुना है कि इजाफा कर रहे हैं। तो हुकूमत से तो यही हमारी अपील है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि अंकल मौजूद थे, इन्होंने कहा कि हुकूमत से जो है इल्तमास की है कि जो कीमतें हैं जो एशिया की उसको कंट्रोल किया जाए। चाचा जो है वो भी नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो दिल खोल के की है कि हुकूमत ने ये जो कीमतें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर जो है अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे एक और दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अच्छा भाई जान आप ये बताएं कि जो है 6 दिन के अंदर जो है 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। आपने जो है होंडा रखा हुआ है, आप इसकी पेट्रोल को कैसे मैनेज करते हैं? पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दोस्त ने यह कहा है कि चाहे पेट्रोल जो है 1000 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन मेरा वोट जो है वो नून लीग को है, तो ये नून लीग के जो है पक्के वोट में। थैंक यू दोस्त। और इधर आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, इनसे बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो है 6 दिन के अंदर 60 रुपये का पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। तो ये अंकल मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत नाराज सुना मैं, गरीब आदमी वास्ते मजदूर जरा बंदा घंटे ही पहुंचता सी ओदे वास्ते परेशानी बन गई ना। पेट्रोल पा 600 रुपया मजदूर की मजदूरी 600 रुपये किलो घ्यो ला के सामने की बनता है, इंतहाई जुलम है, महंगाई बर्बाद की बात है। जैसा तो आपने सुना कि चाचा कह रहे थे, चाचा जान कह रहे थे कि जो है महंगाई जो है ये बहुत बड़ा जुलम है, तो जो गरीब आवाम है उसकी रसाई जो है पेट्रोल तक जो हासिल करना है जो है इसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। चाचा क्या हाल? चाचा खैर है, लोग इतों जो है ना पेट्रोल बाइकों की बरवा के मैंने इतों बोतल चाहती खड़े खैर है मोटरसाइकिल तो मौत ही है। अच्छा क्या आखना चाहते हो कि 60 रुपये का दाम ठीक ही रहे, क्या आखना चाहते हो हुकूमत से, क्या हाल है?
अच्छा चाचा भी क्या यही कह रहा है कि हुकूमत से इल्तमास है कि मेहरबानी करे कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए, अगर यही हाल रहा तो फिर जो है हमारा जो दिन है वो आखिरी दिन आए हुए हैं।